जय मिथिला, मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन जो है वो VBI है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे ताकि एग्जाम में यदि पूछा जाए तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो 1+sin थीटा इंटू 1-sin थीटा बट्टे 1+cos थीटा इंटू 1-cos थीटा का मान निकालें। यानी कह रहा है कि इतना आपको दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू निकालिए, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, जो गिवन है पहले उसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो गिवन क्या है, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 जो है दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, आप लोग पहले जो है ना इधर ध्यान दीजिए कि हमें किसका मान निकालने के लिए कह रहा है वो हम क्या करेंगे पहले समझ लेंगे। तो हमें इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है 1+sin थीटा इंटू 1-sin थीटा बट्टे 1+cos थीटा इंटू 1-cos थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी इस पूरे का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है कॉस है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या होती है, H/B होती है। तो हमारे पास एच भी है और बी भी है लेकिन पी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पी निकालेंगे, ठीक। ये क्या होती है, यही होता है ना, सेक थीटा बराबर क्या होती है, H/B। तो देखिए हमारे पास जो है वो एच का मान है, बी का भी मान है, तो पी का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि लंब का मान कैसे निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखिए लंब बराबर यानी कि पी बराबर ये होता है ना अंडर रूट H²-B² यही होती है ना। तो देख लीजिए अब H का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 13 दिया हुआ है, तो 13² - 12² ये होगा ना। अब देख लीजिए यदि हम 13² करेंगे तो कितना जाएगा, 169 - 144। 12² करेंगे तो 144 होगा ना। अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो कितनी हो जाएगी, 25 होगा, और 25 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि P बराबर जो है क्या आ गई, 5 आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे इधर से कि यह क्या पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब देखिए क्या दिया हुआ है कि 1+sin थीटा इंटू 1-sin थीटा और बट्टे 1+cos थीटा इंटू 1-cos थीटा। इसी का वैल्यू हमें क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या है। देखिए 1+sin थीटा इंटू 1-sin थीटा, आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, A² - B² का फॉर्मूला आप लोगों में से बहुत को याद होगा। क्या होती है A²-B² का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होती है, A+B × A - B, यही होती है ना। A²-B² का फॉर्मूला क्या होता है, A+B × A - B। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना, A+B × A - B, और नीचे भी वही है A+B × A - B। तो हम मान लेते हैं कि इसको 1 को मान लेंगे A और साइन को मान लेंगे B, इसी तरह से इधर भी है। देखिए तो ये पूरा जो है इस रूट पर बैठ रहा है ना, ऊपर वाला देख लीजिए है ना। हम इसको क्या लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1² - sin², 1² - sin²θ लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे भी देखिए 1² - cos²θ, समझ भाई। देखिए 1 को मानेंगे A और sin को मानेंगे B, तो ये क्या हो जाएगा, A+B × A - B। अब इसी तरह नीचे भी है ना, A+B × A - B, समझ आ गई। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए तो यह यदि 1² करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो 1-sin²θ और बटे 1-cos²θ, यही होगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से देखिए कि आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, 1-sin²θ बराबर क्या होती है, cos²θ होती है ना। ये बेसिक सा जो भी फॉर्मूला है ना सबको याद कर लेना है, अब लास्ट मौका है, एग्जाम होने वाली है। 1-cos²θ बराबर क्या होती है, sin²θ होती है। जितने भी फॉर्मूला है उसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे ऊपर में, cos²θ / sin²θ। अब देख लीजिए आप लोग को क्या करना है, अब देखिए cos थीटा का क्या होता है, ये होता है ना b/h का स्क्वायर और बट्टे p/h का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो भी यहाँ पे मान दिया हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। b का हमारे पास कितना मान दिया हुआ था, 12 दी हुई थी, तो 12/h कितना था, 13, तो 12/13 का स्क्वायर / p हमारे पास कितना निकल गया था, 5, तो 5/13 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, अब देखिए यदि हम
बढ़ा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर है, ये भी नीचे में क्या है, पूरा का स्क्वायर है, तो 144 बट्टा 25 और बट्टे 13 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 144 बट्टे 169 बट्टे 25 बट्टा 169। अब देखिए 169 169 कैंसिल हो जाएगा ना, अब देखिए कितना आ जाएगा, 144 बट्टा 25, यही होगा ना, यही क्या हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।